तो वेलकम बैक गाइस। जैसा कि हम जानते हैं कि ऐस हर रीजन में पोकेमोन को पकड़ता है और हम पोकेमोन फैंस ऐस के पोकेमोन को जानने के लिए एक्साइटेड होते हैं कि ऐस न्यू रीजन में कौन कौन से पोकेमोन को पकड़ेगा। तो आज हम जनरेशन 9 में ऐस कौन कौन से पोकेमोन को पकड़ सकता है उसको देखेंगे और ज़्यादातर पोकेमोन ओल्ड पोकेमोन ही होंगे क्योंकि हम आने वाले रीजन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। जैसा कि गेलार रीजन में ऐस ने ओल्ड पोकेमोन को ही ज़्यादातर कैच किया है तो हो सकता है जनरेशन 9 में भी ऐस ओल्ड पोकेमोन को पकड़ेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम ओल्ड पोकेमोन होंगे। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर इस लिस्ट में से ऐसे एक या दो पोकेमोन को ही पकड़ लेता है तो मुझे नेक्स्ट लेवल खुशी होगी क्योंकि मेरी प्रेडिक्शन सही निकली। और ऐस कौन कौन सी पोकेमोन को पकड़ेगा या तो 1.5 साल बाद ही पता चलेगा। तो चलेगा इस जनरेशन 9 के स्टार्टर पोकेमोन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो यार एक कन्फर्म है कि ऐस जनरेशन 9 में एक स्टार्टर पोकेमोन पकड़ेगा ही, लेकिन गेलार में ये पहली बार हुआ था कि ऐस ने कोई स्टार्टर पोकेमोन नहीं पकड़ा था जबकि यहाँ पे स्टार्टर बहुत अच्छे थे। लेकिन हर रीजन में ऐस एक दो या तीन स्टार्टर को कैच किया ही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जनरेशन 9 में ऐसे एक स्टार्टर पोकेमोन को पकड़ेगा ही। जहाँ तक मुझे लगता है जनरेशन 9 में फ्यूको को पकड़ सकता है क्योंकि पोकेमोन कंपनी का फायर टाइप से अलग ही लगाव है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ऐस फ्यूको को ही पकड़ेगा। नंबर 2 राइडन। राइडन पोकेमोन एनिमे का मेन पोकेमोन शुरू से रहा है और तुमको पता ही होगा कि राइडन को पोकेमोन कंपनी ने सबसे पहले डिजाइन किया था और ये पोकेमोन हमेशा से पोकेमोन कंपनी के लिए स्पेशल रहा है। एनिमे के अंदर भी हमने कई बार इसे देखा और मुझे पर्सनली लगता है कि ऐस इसे पकड़ सकता है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। नंबर 3 जेरोरा। जेरोरा जनरेशन 7 का एक मिथिकल पोकेमोन है और इसकी टाइपिंग है इलेक्ट्रिक टाइप। ऐस के पास पिकाचू को छोड़कर और कोई भी इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन नहीं है और अगर इसे पकड़ लेता है तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। और हमें जेरोरा और ऐस के बीच में अलग ही अफ्रैक्शन देखने को मिला है और पर्सनली यार मुझे लगता है कि ऐस को जनरेशन 9 में जेरोरा को पकड़ना चाहिए। नंबर 4 गैराडोस। अब मुझे गैराडोस के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसे पोकेमोन एनिमे का एक मेन पोकेमोन बोले तो गलत नहीं होगा क्योंकि हमें मैक्सिमम रीजन में गैराडोस देखने को मिला है और अगर ऐस इसे पकड़ता है तो ऐस की टीम बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। नंबर 5 ब्लेजिकन। ब्लेजिकन फायर और फाइटिंग टाइप पोकेमोन है जिसने ऐस के चारिज़ार्ड को भी हराया है और तुमने पोकेमोन मूवी देखी होगी तो उसमें चारिज़ार्ड ने एंसरोल को हराया था और उसे ऐस ने अलोला में कैच कर लिया था। और हो सकता है कि ऐस के टीम में ब्लेजिकन हो जनरेशन 9 में और अगर ऐस के टीम में ब्लेजिकन आ जाएगा तो ऐस का टीम बहुत ही शानदार होगा। नंबर 6 एप्सोल। एप्सोल एक डार्क टाइप पोकेमोन है और एप्सोल के पास मेगा इवोल्यूशन भी है। पोकेमोन जर्नीज में ऐस को चांस मिला था एप्सोल को कैच करने का लेकिन एंड टाइम पर गो आ जाता है और उसे कैच कर लेता है। लेकिन मुझे लगता है कि जनरेशन 9 में एप्सोल को कैच करना चाहिए। और तुम्हारा क्या मानना है जनरेशन 9 में ऐस के पास कौन कौन से पोकेमोन होने चाहिए कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।